class earth exercise 20 a question number 6 and 7 i will discuss in this series question 6 saying a cardboard box is 1.2 meter long 72 centimeter wide and 54 centimeter high how many

एंड हाइट 54 सेंटीमीटर में देखिए दिस इज सेंटीमीटर एंड दिस इज आल्सो सेंटीमीटर बट दिस इज इन मीटर आई विल कन्वर्ट दिस मेजर इन सेंटीमीटर नाउ लेंथ ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू 1.2 मीटर 1.2 मीटर मल्टीपल बाय हंड्रेड Will give 1, 2, 0, 120 centimeter right and breadth. Breadth of the box is equal to 72 centimeter, and after that, height of the box is equal to 54 centimeter. Now वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दिस इज़ 120 एंड 72 टू फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब क्लियर हो गया हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि मुझे आगे मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूँ तो आगे ये टफ़ हो जाएगा अब यहाँ पर हम लिखते हैं लेंथ of a bar of soap is equal to 6 centimeter right breadth breadth of a bar of soap is equal to 4.5 centimeter and height बार ऑफ शॉप इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम ऑफ बार ऑफ सोप इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच सिक्स मल्टीपल फोर पॉइंट फाइव मल्टीपल बाई फोर सेंटीमीटर क्यूब क्लियर स्टूडेंट आफ्टर दैट यहाँ पर ये यह पूछा गया है कि इसमें इस बॉक्स में इस वॉल्यूम के बॉक्स में ये वॉल्यूम का कितने शॉप इसमें रखे जा सकते हैं तो यहाँ पर जाएगा नंबर ऑफ सोप कैन बी पुट इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स अपन वॉल्यूम ऑफ़ अ वॉल्यूम ऑफ शोप ठीक है स्टूडेंट बहुत इजी से वे में आप करेंगे इसे क्वेश्चन को बहुत इजी है अब यहाँ पर क्या करना है आपने यहाँ पर वन हंड्रेड ट्वेंटी सेवेंटी टू फिफ्टी फोर और यहाँ से यह आ गया सिक्स ये आ गया फोर पॉइंट फाइव बट हम फोर्टी फाइव लिखेंगे और एक जीरो में यहाँ पर इंक्रीज़ कर लेंगे ठीक है और यहाँ पर हो गया फोर अब देखो मल्टीप्लाई करो फोर से इसको डिवाइड करो कितना हो गया थर्टी हो गया फिफ्टीन थ्री जा फोरटी फाइव फिफ्टीन टू जा थर्टी हो गया टू वन जा टू थ्री जा सिक्स हो गया थ्री टू जा सिक्स एंड वन थ्री फोर जा ट्वेल्व हो गया अब यहाँ पर मल्टीपल कर लो ट्वेंटी फोर फाइव फोर्टी ट्वेंटी फोर की मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे फाइव हंड्रेड फोर्टी से करेंगे तो ट्वेंटी फोर की आपको टेबल आती है तो ठीक है नहीं तो आप यहाँ अलग से इसकी मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पर जाएगा वन था ट्वेल्व थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी शो ठीक है मल्टीप्लाई करके आप इसे देख सकते हैं आप क्लास सेवन के स्टूडेंट हैं आप मल्टीप्लाई अच्छी तरह से कर सकते हो ठीक है स्टूडेंट आइए सॉरी क्लास एय के स्टूडेंट आप हैं यहाँ पर गलती से सेवन निकल गया और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर एट पर आप देखें क्वेश्चन नंबर सेवन है ये भी क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है दी साइज़ ऑफ अ मैच बॉक्स कोई एक मैच बॉक्स है उसकी साइज़ गिवन है ठीक है मैं मान के चलता हूँ कि ये फोर सेंटीमीटर है ये टू पॉइंट फाइव और नेक्स्ट हाइट इसकी जो है वन पॉइंट फाइव की हो गई ठीक है वॉट इज़ द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग वन फोर्टी फोर अगर इस वॉल्यूम के वन फोर्टी फोर मैच बॉक्स रखें तो क्या वॉल्यूम होगा हाउ मैनी सच पैकेट कैन बी प्लेस्ड इन अ कार्टोन साइज उसको गिवन है इस साइज के कार्टोन में इस टाइप के कितने मैच बॉक्स आ जाएंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करना है पहले आप लिखेंगे लेंथ length of match box length of match box is equal to 4 centimeter and breadth of match box is equal to 2.5 centimeter and height height of match box is equal to 1.5 centimeter then वॉल्यूम ऑफ अ मैच बॉक्स इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच फोर टू पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव ट्वेंटी फाइव फोर जहाँ हंड्रेड यहाँ पर टेन आ जाएगा और टेन से मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर टू पॉइंट फाइव की मल्टीप्लाई यदि आप फोर से करते हैं तो आपको हम कितना मिलता है हंड्रेड आएगा पॉइंट का हटा करके जीरो हट जाएगा और इसकी आप वन पॉइंट फाइव से कर दें तो वन फाइव फिफ्टीन सेंटीमीटर क्यूब आएगा ठीक है ये तो हो गया बेटा वन मैच बॉक्स का अब यहाँ पर आएगा वॉल्यूम ऑफ वन हंड्रेड फोर्टी फोर मैच बॉक्सेस। मैच बॉक्सेस तो फिफ्टीन की मल्टीप्लाई आप वन फोर्टी फोर से कर दें फिफ्टीन की मल्टीप्लाई 144 से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 2160 सेंटीमीटर क्यू ओके 2160 कितने मैच बाकी उसके 144 के अब यहाँ पर आपके पास है वॉल्यूम ऑफ अ कार्टन इसका क्या लेंथ इनटू ब्रेथ 1.5 है इसमें आप हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा एट्टी फोर मल्टीपल बाई सिक्सटी सेंटीमीटर क्यू ठीक अब यहाँ पर हो जाएगा कि कितने बॉक्सेस आएंगे तो नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ मैच बॉक्सेस ठीक है कितने जाएंगे यहाँ पर तो वॉल्यूम ऑफ कार्टन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन फोर्टी फोर मैच बॉक्स ठीक है बेटा बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे यहाँ पर वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड एटी फोर मल्टीपल में सिक्सटी और 144 के लिए कितना आ गया 2160 देखिए इस जीरो से इसको कैंसिल कर दीजिए सिक्स वन जाए सिक्स थ्री जाए एट्टीन सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स हो गया अब आपको यहाँ पर जो मल्टीप्लाई किया वो हो गया 8400 मल्टीप्लाई में 1.5 पॉइंट अपान थर्टी सिक्स ठीक अब आप करें क्या 8400 में पहले आप डिवाइड कर लें 36 से ठीक है और उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई कर लें आप 1.5 से कितना जाएगा यहाँ पर 349.99 समथिंग तो यहाँ पर आप इसको 349 और अप्रॉक्स कितना कर सकते हैं 350 फिफ्टी बॉक्सेस आप मान के यहाँ पर चलेंगे इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन आप देख लें एक बार फिर से कि यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है सेंटीमीटर में है तो आपने फोर की मल्टीप्लाई यहाँ पर ठीक है फोर की मल्टीप्लाई आपने जो किया है यहाँ किसके साथ करी फोर की मल्टीप्लाई आपने टू पॉइंट फाइव के साथ किया और उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई आपने वन पॉइंट फाइव के साथ किया फ़िफ्टीन हो गया फिफ्टीन की मल्टीप्लाई आप वन फोर्टी फोर के साथ करते हैं तो आपके पास जाता है टू थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी मैच बॉक्स आते हैं कार्टून का वॉल्यूम दिया हुआ है आपने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया और इसके बाद आपने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर जो आपने डिवाइड किया है टू थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं वन पॉइंट फाइव की मल्टीप्लाई एट्टी फोर की मल्टीप्लाई आपने किससे कर लिया सिक्सटी से सिक्सटी से कर लिया इसके बाद आपने देखा कि इसका यहाँ पर स्टूडेंट पहले आप एक बार फिर से समझ लें इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं वन पॉइंट फाइव तो यहाँ पर हंड्रेड से आपने किया एक ज़ीरो हट गया तो ये जाएगा वन फाइव ज़ीरो क्लियर और यहाँ हो जाएगा एट्टी फोर मल्टीपल बाई सिक्सटी अपॉन टू वन सिक्स ज़ीरो अब करो मल्टीप्लाई वन फाइव ज़ीरो की मल्टीप्लाई आप एट्टी फोर से करो और उसके बाद सिक्सटी से करो मल्टीप्लाई कितना जाएगा सेवन फाइव सिक्स ट्रिपल ज़ीरो जाएगा क्लियर हो गया और टू वन सिक्स ज़ीरो से डिवाइड कर दीजिए इसको टू वन सिक्स जीरो से आप इसको डिवाइड कर दो स्टूडेंट यहाँ पर जो आएगा वो कितना जाएगा थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी एक्चुअल में 350. यहाँ पर थ्री हंड्रेड फिफ्टी यहाँ पर हम अप्रॉक्स निकाल रहे थे बाद में हम रख रहे थे बट यहाँ पर इस तरह से करने पर हमारा थ्री हंड्रेड फिफ्टी ही आया तो इस आंसर को आप करेंगे आप इसे इग्नोर कर देंगे इसे नहीं करेंगे मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्स टू वॉच